अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं मोका ट्रैफल। मोका ट्रैफल जो भी चॉकलेट लवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मोका ट्रैफल बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 4 कप्स कॉफ़ी ट्रैफल, 1 कप चॉकलेट, 1 पाउंड चॉकलेट केक। मैंने ये चॉकलेट केक घर पे बनाया है, अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से कोई भी चॉकलेट केक खरीद सकते हैं। उसके साथ एक डेरी मिल्क चॉकलेट। मैं भी आपके साथ केक, कॉफ़ी ट्रैफल और चॉकलेट तीनों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी द रेसिपीज और उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट टी केक। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको सिर्फ फ्यू इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए हम लेंगे 4 अंडे, 1 कप मैदा, 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी पिसी हुई, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। मैदे के अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर उसको मिक्स कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो कोको पाउडर है उसको मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऑलरेडी बेकिंग पाउडर मिक्स कर चुके हैं 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, और इसके अंदर अब हम कोको पाउडर मिक्स कर देंगे। चलिए जी, कोको पाउडर मिक्स करने के बाद हम 4 अंडे तोड़ लेंगे। अब हमने 4 अंडों को तोड़ लिया है, अब हम इसको बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट अब अंडों को बीट कर लें। अंडे बीट करने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर लें। चले जी, ये ऑयल डालकर हमने बीट कर लिया। इसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। हाफ चीनी डाल के पहले बीट कर लें उनको, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब बाकी चीनी डाल दें। इसमें हमने बाकी चीनी भी डाल दी है, इसको डाल के आप अच्छी तरह से बीट कर लें। तो ये शुगर हमारी बीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ड्राई मटेरियल डाल लेंगे, जो मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था। इस सारे को डाल के आप अच्छी तरह से स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको मोल्ड में डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर हार्ट वाला मोल्ड ले लिया। आपके पास जो सा मोल्ड अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मोल्ड को ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो मोल्ड के अंदर डायरेक्ट केक डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर या कोई प्लेन पेपर लगा लें। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, मैंने प्लेन वाइट पेपर मोल्ड के अंदर लगा दिया। इससे होता है कि अगर आपके मोल्ड में लीकेज वगैरह हो रही होती है समटाइम्स साइड से, तो वो भी नहीं होती और आपका केक जो है वो बर्न भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम केक को इसमें डाल देते हैं। केक को मैंने मोल्ड में डाल लिया, अब चलते हैं हमें इसको ओवन में रखने की तरफ। इसको ओवन में हम तकरीबन 30 से 40 मिनट्स बेक करेंगे और बेक करने के बाद ये केक हमारा रेडी होगा बिल्कुल। इसको हम ठंडा करके इसके ऊपर चॉकलेट लगा के सर्व करेंगे। जी, तो ये केक हमने निकाल लिया 30 मिनट्स के बाद और ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। इसको हम ठंडा करके काट लेंगे। मोका ट्रैफल का कस्टर्ड बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क। मैंने यहाँ पर ऑल्पर्स का ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा 2 पैक्स क्रीम के, मैंने ऑल्पर्स की 200 ml वाला पैक लिया है, ये आप देख लें। उसके साथ मैं ले लूँगी 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 नेस्कैफे का 3-in-1 वाला कॉफ़ी का सैशे एंड 1 कप शुगर। अब हम चलते हैं कस्टर्ड बनाने की तरफ। जो हमने मोका ट्रैफल का कस्टर्ड बनाना है वो बनाते हैं। जी, यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं अपना यहाँ पर दूध डाल दूंगी।
1 लीटर दूध हमने इसके अंदर डाल दिया। ठंडे दूध के अंदर ही मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी, अगर आप गर्म करके डालेंगे तो इसकी गुठलियां बन जाएंगी। इसके साथ ही इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है, साथ साथ आपने हिलाते जाना है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर नेस्कैफे का कॉफी का जो पैक है वो डाल दूं। ये डालकर आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसे 3 से 4 मिनट पका के बंद करना है। चलिए इसे अब हम तेज आग पर पका सकते हैं। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते जाना है पकाते हुए ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। अब ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस डाल देंगे। ये कस्टर्ड हमारा रेडी है, ये देखें ये बिल्कुल गहरा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। मोका ट्राइफल हमारा ठंडा हो चुका है, जो कॉफी ट्राइफल है इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। इसके अंदर जो आपने दोनों पैक्स हमने क्रीम के लिए हुए थे वो डाल दें। इसको डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है तो ये आपका कॉफी ट्राइफल रेडी है। चॉकलेट बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, आप कोई भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं नीडो एवरीडे, 1 कप शुगर, 1/2 कप मिल्क, 3 टेबलस्पून बटर। चलें कुकिंग की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम सॉस पैन के अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। आपने पहले फ्लेम ऑन नहीं करना अदरवाइज चीज़ों की गुठलियाँ बन जाएंगी। इसके अंदर हम कोको पाउडर डाल देंगे, ड्राई मिल्क, शुगर एंड बटर। ये डाल के पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और उसके बाद आप फ्लेम ऑन करेंगे। ये सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। अब आपने इसको साथ साथ हिलाते जाने अदरवाइज इसमें गुठलियां बन जाएंगी। ये देखें चॉकलेट गहरी होना शुरू हो गई है, बस आप यहाँ पर इस स्टेज पे से आप 2 से 3 और बॉयल देंगे तो आपकी चॉकलेट रेडी होगी जी। तो चॉकलेट हमारी रेडी है, ये देखें। अब आप इसको फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। तो आपने तीनों चीज़ों की रेसिपी देख ली है, केक की भी, कॉफ़ी ट्राइफल की भी और चॉकलेट की भी। चलें हम चलते हैं ट्राइफल बनाने की तरफ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक बॉल लूँगी। बॉल के अंदर मैं केक जो है उसको रख दूँगी। इसमें मैंने केक डाल दिया, केक के बाद इसके अंदर हम कॉफी ट्राइफल डालेंगे। आपने सारे केक को कवर कर देना कॉफी ट्राइफल से। मैंने सारा कॉफी ट्राइफल डाल दिया, इसको आप अच्छी तरह से निकाल लें बॉल से। ट्राइफल डालने के बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट डालने के बाद आप इसको फोक से हल्का सा इसके ऊपर डिजाइन बना देंगे।
इसके बाद इसके ऊपर आप डेरी मिल्क स्प्रिंकल कर देंगे। डेरी मिल्क डालने के बाद आप इसको फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि ये ठंडा होगा तो ये खाने में अच्छा लगेगा। ये इसका टेस्ट इतना जबरदस्त है कि आप ये एक दफा बनाए आप बार बार बनाएंगे। ये जो स्पेशली जो चॉकलेट और कॉफी लवर है, दे विल लव इट। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।